सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी जन्मभूमि खटीमा से ही लड़ेंगे चुनाव। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में नहीं हुए शामिल हरक सिंह रावत। स्वामी राजा रारेश्वर आश्रम महाराज को तालिबान से मिली धमकी। प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष सरिता आर्य थाम सकती है भाजपा का हाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शताक्षी कौतम। दिन भर की तमाम खबरों के बाद आइए रुख करते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ कर दिया है कि वो खटीमा से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि खटीमा उनकी जन्मभूमि है और कर्मभूमि है, जिसे छोड़कर वो कहीं और से चुनाव नहीं लड़ने वाले। हालांकि सीएम धामी ने ये भी कहा कि पार्टी उन्हें जहां से भी चुनाव लड़वाना चाहेगी वो तैयार रहेंगे। उत्तराखंड में भाजपा 70 विधानसभा सीटों पर नामों के पैनल तैयार करेगी। हर सीट पर पार्टी 3 नाम केंद्र नेतृत्व को भेजेगी, जिसके लिए शनिवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में कोर ग्रुप और चुनाव समिति की बैठक हुई। लेकिन इस बैठक में हरक सिंह रावत शामिल नहीं हुए, जिसके बाद उनके नाराज होने की चर्चा फैलने लगी। वहीं जब हरक सिंह रावत ने पूछा कि ना मौजूदगी का कारण क्या था, तो उन्होंने कहा कि उन्हें बैठक की सूचना नहीं मिली थी। शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में चुनाव क्षेत्रों के लाए गए नामों की पेटी खोली गई थी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजे राजेश्वरम महाराज को तालिबान की ओर से धमकी भरा पत्र मिलने के बाद हरिद्वार पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने इस मामले को मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इससे पहले 2008 में भी स्वामी राजा राजेश्वरम को ऐसा पत्र मिला था। नैनीताल की पूर्व विधायक और कांग्रेस की महिला अध्यक्ष सरिता आर्या ने बीजेपी के प्रभारी प्रहलाद जोशी से देहरादून में डालन वाला आवास पर मुलाकात की थी, जहां रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। यहां उनके बीच करीब एक घंटे से ज्यादा बातचीत भी हुई। बता दें कि नैनीताल सीट पर टिकट की स्थिति साफ ना होने पर सरिता आर्य कांग्रेस से खफा चल रही हैं। तो उत्तराखंड की मुख्य खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अनेक जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।